नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों स्वागत है। गुड मॉर्निंग हो चुका है दरअसल में, और आप सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आज संडे का दिन है, आप सभी के लिए अच्छा हो। अब आते हैं खबर पे। महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी, जो कि रिटायर हो चुके हैं, भारत के महान विकेटकीपर, बल्लेबाज और कप्तान हैं। भारत को कई मतलब दो विश्व कप उन्होंने जिताया है और एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी उन्होंने जिताई है, और चार आईपीएल जीते वगैरह वगैरह, बहुत कुछ जीता हुआ। खैर, चूंकि एमएस धोनी अब आईपीएल खेल चुके हैं, अब उसके बाद क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो इन दिनों आराम फरमा रहे हैं अपने घर में। घर में बैठे रहते हैं और छुट्टी के समय में अपने परिवार के साथ, जीवा के साथ, अपनी वाइफ के साथ वो वक्त बिताते हैं दरअसल में, और बिताना भी चाहिए। लेकिन इस समय अगर बात करें तो इस समय एमएस धोनी जो है काफी ज्यादा परेशान है। परेशानी की वजह है उनका घुटना। दरअसल में घुटने में उनके दर्द है काफी ज्यादा, और पिछले कई महीनों से वो इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन जो कहते हैं ना, डॉक्टरों से इलाज नहीं हुआ, तो अब जो है आयुर्वेदिक की तरफ जो है रुख कर गए हैं एमएस धोनी। किसी ने उनसे कहा था कि भाई एक आयुर्वेदिक का डॉक्टर है, मतलब उनके माता पिता ऑलरेडी जो है बुढ़ापे में हो ही जाता है, सबको घुटने उठने में दर्द वगैरह हो ही जाता है, तो वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से वो इलाज करवा रहे थे वो, और उनका उनके उनकी सेहत में सुधार आया, दर्द में कमी आई। तो एमएस धोनी ने भी सोचा कि चलो ठीक है, हम भी जो है अपने घुटने का इलाज करवा लेते हैं। तो इस समय जो है दैनिक भास्कर अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो एमएस धोनी जो है इस समय वंदन आयुर्वेदिक चिकित्सक वंदन सिंह खेरवार नाम करके एक डॉक्टर है, उनसे इलाज करवा रहे हैं। और ये डॉक्टर जो है सिर्फ 40 रुपए फीस लेता है, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए ये डॉक्टर फीस लेता है। तो 40 रुपए में धोनी जो अपने घुटने का इलाज करवा रहे हैं। दैनिक भास्कर अखबार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रांची से करीब 70 किलोमीटर दूर लापुंग के घने जंगलों वाले इलाके में रहने वाले आयुर्वेदिक चिकित्सक वंदन सिंह खेरवार एमएस धोनी का इलाज कर रहे हैं। और जब वंदन सिंह खेरवार से एनडीटीवी ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे परामर्श शुल्क के रूप में 20 रुपए लेता हूं, और 20 रुपए दवाई के मैं लिखता हूं, मतलब टोटल 40 रुपए लिखता हूं। धोनी हर चार दिन में आश्रम में आ रहे हैं, वह एक महीने से उनकी देखरेख में, तो मतलब कि पिछले एक महीने से जो है एमएस धोनी अपने घुटने का इलाज करवा रहे हैं। साथ ही वंदन सिंह खेरवार ने यह भी खुलासा किया कि मैंने धोनी के माता पिता का भी इलाज किया है, वे पिछले 3 महीनों से उनकी दवाई ले रहे हैं। तो भैया इससे क्या पता चला? पता ये चला कि जो हमारे जो संस्कृति रही है, जो आयुर्वेदा की जो ताकत रही है, वो अब भी कायम है। बस लोगों का भरोसा ज्यादातर ये जो रेडीमेड अब जो आने लगा है ना, उन दवाइयों पर ज्यादा क्या कहेंगे, उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन जो असली ताकत है ना वो आयुर्वेदिक में ही है। तो देखिए, आयुर्वेदिक से अगर ठीक हो गए तो इस डॉक्टर की तो लग गई लॉटरी, लग जाएगी भाई, हर कोई आएगा इनसे इलाज करवाने के लिए। और बहुत अच्छी बात है, मतलब 40 रुपए में ये एक घुटने का दर्द का इलाज कर रहे हैं, वो भी एमएस धोनी जैसे बड़े क्रिकेटर का, तो बहुत बड़ी बात है। होप सो कि धोनी के जो इस घुटने में जो दर्द है वो जल्दी ठीक हो जाए, और अगले आईपीएल सीजन उनका तो इंतजार रहेगा ही कि अगले आईपीएल सीजन आए और जाते जाते चेन्नई को जो है एक बार फिर से आईपीएल ट्रॉफी जीता कर जाए। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स चौक के साथ। धन्यवाद। मेरा नाम है अविनाश।